बतौर मेहमान खसूसी तशरीफ लाए हैं। चांद से नहीं गिरते हैं, वक्त की शाम को मेरे दोस्त हलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को मेरे पता लग गया जलाना होगा। ये अपने हिस्से का दिया जला रहे हैं। मैं आपकी भरपूर तालियों की गूंज में मुल्तमिस हूँ कि वो आपसे खिताब के लिए तशरीफ लाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डॉक्टर आलम साहब, दीगर मोज़ज़ीन और तलबात तालबात और टीचर्स, कॉलेज का स्टाफ, अहलियाने इलाका, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हमने आपकी कॉलेज में मज़ीद जो सहूलियात हैं उसकी बढ़ाने के हवाले से मजीद कमरों का जो है वो सगे बुनियाद रखा है। और जो डॉक्टर आलम साहब ने कहा कि यहाँ पर कॉलेज का गेट बड़ा करना है, साइकिल स्टैंड को जो है वो बड़ा करना चाहते हैं, तो जब दिल बड़े हो बाकी चीज़ें भी बड़ी हो जाती हैं। तो ये इंशाल्लाह आपके दोनों जो आपसे मुतालबात रखे ये दोनों इंशाल्लाह हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पर आपके 18 प्रोग्राम इस कॉलेज में चल रहे हैं। डीएस के लिहाज से ये पंजाब का सबसे बड़ा कॉलेज है, ये भी हमारे लिए ऐसे फसल है। और मैं समझता हूँ कि हमें तालीमी तौर के ऊपर जो है वो अपने इस पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज को मज़ीद मजबूत बनाना, उसको मज़ीद मजबूत बनाने के हवाले से यहाँ पर मज़ीद नए प्रोग्राम शुरू करने की ज़रूरत है। उन प्रोग्राम्स की अप्रूवल के हवाले से हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं, उसको इंशाल्लाह मज़ीद अप्रूव करवा के देंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे इस इलाका के जो बच्चे हैं, जो तलबा हैं, तालबात हैं, वो यहाँ से जो है वो तालीम हासिल करके जब बाहर निकलें तो वो पाकिस्तान की तामीर व तरक्की के अंदर अपना एक भरपूर जो है वो किरदार अदा कर सकें। और बड़ी खुशी है मुझे, कॉलेज के अंदर मैंने देखा है कि काफ़ी इंक्रीजी है और ये वज़ीर आज़म साहब का भी विजन है। और आपको ये जान के खुशी होगी कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक सोच दी, उस सोच को आज पूरी दुनिया जो है वो एक्नॉलेज कर रही है। पूरी दुनिया के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो तेजी से बढ़ता हुआ दर्जा हरारत है हमारे इस दुनिया के अंदर, वो अकवामे मुत्तहिदा ने उस हवाले से रेड अलर्ट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अगले 10 साल के अंदर अगर हमने माहौलियाती तब्दीली का मुकाबला करने के हवाले से काम ना किया तो ये जो यूनिवर्स है, जो ये अर्थ है, जो जमीन है जहाँ हम जिंदा रह रहे हैं, वो रहने के काबिल नहीं रहेगी, इतनी गर्मी बढ़ जाएगी। तो लिहाजा प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले 1 अरब दरख्त लगाने का प्रोजेक्ट शुरू किया, वो हमने ये टारगेट अचीव किया जब हमारी कैबिनेट मंत्रिमंडल में हुकूमत थी। अब 10 अरब दरख्त लगाने का जो है वो टारगेट है, उसको हमने अचीव किया। और अभी फिर से उन्होंने जो है वो दरख्त लगाने की जो ड्राइव है उसको शुरू किया। तो आपका जो यूएन का अकवामे मुत्तहिदा का जो इदारा है उसमें उन्होंने पाकिस्तान की माहौलियात की तब्दीली के हवाले से काम करने के हवाले से 3 मुल्कों को सेलेक्ट किया है कि जो लीडर्स हैं उसके अंदर, और 3 ममालिक के अंदर जो है वो पाकिस्तान का नाम भी जो है वो शामिल है। ये बहुत बड़ी बात हुआ है। बरतानिया का, बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म जब अकवामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास हो रहा था तो उसके तकरीब के अंदर उन्होंने हमारे वज़ीर-ए-आज़म की इन काविशों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया ने फॉलो करना है तो पाकिस्तान जिस तरीके से री प्लांटेशन के हवाले से, दरख्त लगाने के हवाले से काम कर रहा है, तो इमरान खान को जो है वो फॉलो करें। तो मैं समझता हूँ कि ये आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान की बेहतरीन जो कोशिशें हैं उनको एक्नॉलेज किया गया है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान माहौलियात की तब्दीली के हवाले से जो काम हमने किए हैं उससे मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर जो ग्रीन डिप्लोमेसी है ये भी एक ऐसा तरीकाकार है जो आपका 2 मुल्कों के दरमियान या पूरी दुनिया के दरमियान पाकिस्तान का जो है वो तामन के नए रास्ते खोल रहे हैं। और जिस तरीके से आज यहाँ पर बात हो रही थी कि हम आज सोलराइजेशन करने जा रहे हैं,
ना सिर्फ ये कॉलेज सोलराइजेशन हो रहा है बल्कि पूरे पंजाब के अंदर बेशतर कॉलेजेस हैं जो कि सोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, सैकड़ों ऐसे स्कूल हैं जो कि सोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। ये पंजाब हुकूमत का जो है वो इनिशिएटिव है और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी हुकूमत की तजीहत है, जितने यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं ये भी चाहूंगा कि इस कॉलेज के जो प्रैक्टिस हैं उसको हम और मजीद प्रोडक्टिव अंदाज के अंदर इस्तेमाल करें। और हमारी हुकूमत ने हुनर सबके लिए, क्योंकि आईटी जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल है पाकिस्तान का भी, और जिन जिन ममालिक ने तरक्की की है वहां पर बड़ा जरूरी है कि आप कन्वेंशनल तालीम जरूर हासिल करें, बीएस प्रोग्राम्स भी करें साथ। लेकिन उसके साथ हमने 10 अरब रुपया प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो काम किया जवान प्रोग्राम के तहत हुनर सबके लिए प्रोग्राम का आगाज कर रखा है। पाकिस्तान के अंदर नेपटेक के तहत इदारे रजिस्टर्ड हैं, हम फ्री लांसिंग के हवाले से बच्चों को सर्टिफिकेशन करवा रहे हैं, स्कॉलरशिप्स की बुनियाद के ऊपर फ्री उनको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, और उन स्कॉलरशिप्स के अंदर बच्चे ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से, वेब डिजाइनिंग के हवाले से, क्लाउड कंप्यूटिंग के हवाले से, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के हवाले से, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन है, वो सर्टिफिकेशन सीख रहे हैं। और उन सर्टिफिकेशन से आप सब लोग विद इन 3 to 6 months इस काबिल हो जाते हैं कि आप इंटरनेट के ऊपर बैठ के पूरी दुनिया से को आईटी सर्विसेज प्रदान कर सकते हैं। उससे ना सिर्फ आपका अपना फायदा होगा, आप खुद रोजगार कमा सकेंगे, बल्कि पाकिस्तान को जो डॉलर की जरूरत आए वो बढ़ी रहती है, फॉरन एक्सचेंज भी आने के अंदर आप लोग करार अदा करेंगे और पाकिस्तान की जो आईटी एक्सपोर्ट है उनके अंदर भी इजाफा होगा। तो इसी तरह हमारी जो स्कॉलरशिप है, हमने इस तरीके से एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स का भी जो है वो आगाज कर रखा है, क्योंकि पाकिस्तान की तमाम पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंदर हम मुहैया कर रहे हैं। मेरे इल्म में नहीं है कि आपका यहाँ पर वो कॉलेज भी बीएस प्रोग्राम के बच्चे उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, एहसास में है दोनों कॉलेज में, साइंस में भी उधर भी, जिनकी वो अफराद वो खानदान जिनके वालदैन की आमदन 45,000 या 45,000 रुपए से कम है, उनका एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, अगर वो मेरिट को उसके मियार को पूरा करते हैं तो उनका जो तालीम का खर्चा है वो एहसास प्रोग्राम के तहत जो है वो हुकूमत बर्दाश्त कर रही है। तो ये इससे पहले नहीं हुआ, इससे पहले किसी वज़ीरे आज़म ने जो है वो मसाइल का रुख जो है वो पाकिस्तान की स्कॉलरशिप्स बड़ी तादाद में, इसके अलावा रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप है, इसके अलावा बेशुमार स्कॉलरशिप जो है वो हुकूमत पंजाब ने भी शुरू कर रखी है। तो एक बड़ी तादाद के अंदर स्कॉलरशिप है, खासतौर पर इसी एहसास प्रोग्राम के तहत 70 लाख बच्चे जो कि प्राइमरी तालीम, मिडिल तालीम और मैट्रिक तक तालीम हासिल जिन्होंने करनी है, उनको हम एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत जो खानदान है उनके बच्चों को तालीम देने के लिए 1500 रुपया, 3000 रुपया, 4000 रुपया माहवार प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल के लिए जो है वो फराहम कर रहे हैं। तो हमारा जो वसाइल का रुख है वो हमने आवाम की तरफ जो है वो मोड़ा है। पहली बार पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि अगर हम अपने लोगों को इस काबिल बनाएंगे कि वो पढ़ लिख कर, हुनर सीख कर इस काबिल हो जाए कि वो अपना रोजगार जो है वो खुद कमा सके, तो यहाँ पर जितनी तालबात भी मौजूद हैं, तालब इलम भी मौजूद हैं, मेरी इनसे भी ये गुजारिश ये है कि आप लोगों के लिए हमने कामयाब जवान प्रोग्राम भी शुरू कर रखा है, 100 अरब रुपया उसमें भी पड़ा है, 10 लाख रुपए तक आपको कोई गारंटी, कोई कोलेटरल घर गिरवी रखाने की आपको जरूरत नहीं है, वहां पर भी आप कर्ज हासिल करके सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर अपने कारोबार का जो है आगाज कर सकते हैं। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम हमने लॉन्च कर दिया है जिसमें मेरा सूद 5 लाख रुपया हम फराहम कर रहे हैं आपको कारोबार शुरू करने के हवाले से। जो स्टार्टअप्स हैं जिनके पास को हुनर है, सरमाया नहीं है, अपना काम शुरू करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग अपने पांव के ऊपर खड़े हों, हम चाहते हैं कि यहाँ पर नौकरियां ढूंढने वाले बच्चे ना निकले, इस कॉलेज से नौकरियां पैदा करने वाले बच्चे निकले, इसमें हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। आप मैं चाहता हूं कि जो यहाँ पर ऑलरेडी वो जो अगर आपका इदारा एफिलिएटेड नहीं है, अटैच नहीं है, तो यहाँ पर आपकी कंप्यूटर लैब्स के अंदर जो है वहीं पे
ट्रेनिंग्स का आवाज हो, जो बच्चे उनको ज्वाइन करना चाहते हैं, जो मेरिट पे हैं वो आए, उससे भी जो है वो उसका फायदा हासिल करें, उससे यकीन आपका फायदा होगा। इसके अलावा जो मैं एक पैगाम सबको दिल में एहसास हो इंसानियत की खिदमत का, तो अल्लाह ताला उनसे काम नहीं लेता है। वो है यूनिवर्सल हेल्थ केयर। यहाँ पर जितने अफराद बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं, आप सबका जो खानदान का सरबरा है उनके नाम के ऊपर जो है आप सबका 10 लाख रुपए तक मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस आपको हुकूमत ने करवा कर दी है, यानी कि इलाज आप करवाएंगे और इलाज आप करवाएंगे अपनी मर्जी के जो मुंतखबशुदा पैनल में हॉस्पिटल्स हैं वहां से, और उसका खर्चा जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत अदा करेगी। हमने हमारी कोशिश है कि जो मसाइल है, जो टैक्स का पैसा है, उसको हम ऐसे इस्तेमाल करें कि वो हुक्मरानों के ज़ाती लल्लों-तल्लों के ऊपर खर्च होने की बजाय वो आवाम के ऊपर खर्च हो, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर खर्च हो, आवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए खर्च हो। और जो मदीना की रियासत की वज़ीर-ए-आज़म साहब का विजन है कि मदीना की रियासत की तर्ज पर पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाना है, वो उस विजन की एक बिल्कुल सही अकासी करते हैं, तो इंशाल्लाह हमने मिलकर अपने मुल्क की तरक्की के अंदर जो है वो एक भरपूर करदार अदा करना है। इंशाल्लाह पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान की लीगल एक्सपोर्ट्स के अंदर भी इजाफा हो रहा है, हमारा मुल्क जो है वो सही शिफ्ट की तरफ जा रहा है, हम अपने वसाइल का रूप भी जो है वो आवाम की जाने हमने खोल दिया है, और इंशाल्लाह हम मिलकर पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम के साथ मिलकर पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क जो है वो हमने बना। बहुत बहुत शुक्रिया।